अभी सूरज डूब गया तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा कैमरामैन ना मेरा कुछ को पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ को एकदम पूरा ऐसे तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं बोलते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो ये अभी टाइम हो रहा है 9:10 हो रहा है, 9:10 हो रहा है और मेरा सब्जी पका नहीं है। मतलब एक घंटा से ज़्यादा हो गया और अभी तक पका ही नहीं है। दीदी लोग लाए थे ना एक लौकी बड़ा सा, तो उसको मैं काटी, उसको आधा मैं बचा रही हूँ, फिर भी मतलब फ्रिज में रखूँगी तो भी दूसरा दिन खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बोल करके मैं तो सबको काट दी और सबको अभी कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, तो पूरा पक ही नहीं रहा है। एक घंटा से ज़्यादा हो गया और थोड़ा देर लगेगा शायद। देखिए पूरा एक कढ़ाई, हम लोग इसको 3 बेला खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं करेंगे। और मेरा कैमरामैन को देखिए आज तो पूरा ठंडा लग गया इनको। पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पहन लिए हैं। ऐसे 3-4 दिन हो रहे हैं ना, ऐसे लगातार बारिश हो रही है। मतलब खाली रात रात को बारिश हो रही है, रात भर बारिश, फिर दिन में ऐसे हल्का फुल्का धूप दिखाता है, नहीं तो नहीं। अरे ऐसे ही चल रहा है, हम लोग का इधर भी आसाम बन गया है। ये देखिए इधर हम लोग का ये वाला छोटा छोटा जो बैंगन जैसे होता है वो इधर फल हुआ है। तभी मैं जाऊंगी उधर से पूरा घूम के और मेरे लिए तोड़ के लाऊंगी, बस मैं इसको पकाऊंगी और खाऊंगी। ठंडा एकदम पूरा जा ही नहीं रहा है। 10:30, हाँ 10:30-11 बज रहा है, फिर भी ठंडा नहीं जा रहा है। और ये वाला पेड़ ना हम लोग का यहाँ पर था, यहाँ अंदर में था, लेकिन हम लोग काट दिए और बीज उधर गिर गया तो उधर उग गया है। तो अभी उधर वाला पकेगा ना फल, वाला फल पकेगा तो उसका बीज को लाऊंगी और उधर हम लोग का बारी उस साइड जो बरगद का पेड़ है उस कोना में उधर लगाऊंगी, क्योंकि उधर एकदम पूरा खाली जगह है, उधर लगा दूंगी, छीट दूंगी तो अपने आप से निकल जाएगा। ये वाला खाना चाहिए, बोलते हैं इसको खाने से मलेरिया नहीं होता है, तो इसीलिए। और शायद हाँ हो भी सकता है, मेरे को तो बहुत साल से नहीं हुआ है मलेरिया, तो शायद हो सकता है ऐसे। अभी थोड़ा धूप दे रहा है, देखिए मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी एक पॉलीथिन लेके और मैं तोड़ के लेके आऊँगी और मेरे लिए आलू के साथ भुजिया बनाऊँगी। चलिए ये देखिए मैं इतना तोड़ के लेके आ गई हूँ और पूरा एकदम बालक बालक है, खाने में अच्छा लगेगा। इसको आलू के साथ भुजिया कर दूंगी बाद में, अभी तो नहीं। इधर मैं चीटी साग का झोर बनाई हूँ डबल, और देख सकते हैं अभी थोड़ा धूप दे रहा है, तो ये थोड़ा देर के लिए धूप देगा फिर वैसे का वैसे ही। और तो फिर धूप में सोया था लेकिन उसको शायद ज़्यादा धूप लगा तो अभी छाँव में आ गया है। देखिए अभी धूप नहीं दे रहा है, देखिए नॉर्मल हो गया, इसे ही होता है। जाती हूँ मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि 12 बज गया है, नहा लेने से अच्छा लगेगा फ्रेश। तो फिर चलिए चलते हैं नहाने के लिए। मैं कपड़ा सब निकाल लेती हूँ क्योंकि कल का कपड़ा सब तो सूखा नहीं है, इसलिए। शाम का बज गया है 4:30 और अभी एकदम पूरा सुनहरा धूप गिर रहा है, देख सकते हैं इधर एकदम पूरा सुनहरा धूप है और टॉफी भी देख रहा है। मैं इधर से आ रही हूँ तो वो भी देख रहा है। और इधर मेरा कैमरामैन देखिए, कैमरामैन को देखिए कैसे फोकस कर रहे हैं। टॉफी, ए टॉफी, शादी घर जाएगा? आई कोको मंडी खाने जाएगा?
एकदम पूरा बारिश हो गया तो हम लोग को और पानी पटाना नहीं पड़ेगा कुछ दिन। पूरा देखिए, पूरा डेली डेली बारिश हो रही है ना रात रात को, तो अभी कुछ दिन पानी पटाना नहीं पड़ेगा। एकदम पूरा बारिश का सीजन में जिस जैसे पूरा मिट्टी पूरा ये हो जाता है ना, भीग जाता है, वैसे हो गया है। और देखिए मिर्चा सब कैसे फला है, ऐसे भर भर के फला है। और इधर देख सकते हैं पूरा खिल गया है, फूल फूल फूल, इधर पूरा फूल फूल खिल गया है। मैं आप लोगों को बोली थी ना पूरा फूल खिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बोल के, तो ये रहा देखिए। मैं आप लोगों को इधर पूरा सामने से दिखा रही हूँ, इधर से देखिए देखिए सब फूल मेरे तरफ देख रहे हैं। और ये सब तो इसमें बीज हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा है देखिए, कितना बड़ा बड़ा है इसमें, इसके अंदर में पूरा खतरनाक है रे बाबा, पूरा खतरनाक है। इधर धूप है ना तो ऐसे दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा शाम होगा तो और भी अच्छा लगेगा देखने के लिए। इधर तो अभी उधर से धूप गिर रहा है ना तो अच्छा नहीं दिख रहा है, खुश लग रहा है देख के। हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं इसी ईयर में हम लोग अक्टूबर तक पूरा लगाएंगे सोच रहे हैं, ये वाला बारी में पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पूरा लगाएंगे, यही सनफ्लावर बोल रहे हैं। और जैसे अक्टूबर में लगाएंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक हो जाएगा ना, है दिसंबर तक हो जाएगा तो हम लोग दिसंबर के बाद में और कुछ दूसरा लगा लेंगे इसमें, इसको ये करके। और ये सब तो इतना भारी हो जा रहा है कि देखिए उल्टा हो गया है, नीचे देख रहा है, ये सब नीचे देख रहा है, ये भी नीचे देख रहा है, ये भी नीचे देख रहा है, ये भी नीचे देख रहा है। यहाँ टॉफी को देखिए बकरी भगाने गया है यहाँ पर, बेचारा छोटा सा बकरी है कि फंस गया वहाँ पर, डाल खाने के चक्कर में उसका मुंडी घुस गया, अभी भगा दिए तो आ रहा है। ये दारू के तदा सेता बिलंती सोन दाना छिड़ाओ तदा जा, चार पांच ठो बना रहे। यहाँ पर देखिए सनफ्लावर, यहाँ पर गच्छी लगाए थे तो उसका जो जो छोटा था उसको हम लोग छोड़ दिए थे, उसी में ही कितना पांच ठो निकला है एक ठो पेड़ में। बारिश हो गया तो देखिए हम लोग का आम कितना अच्छे से फला है, इस बार ना ज्यादा फूल नहीं हुआ लेकिन जितना भी फूल हुआ था उसमें ना ऐसे कुछ कुछ तो फला है देखिए। और ये वाला तो देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो गया है, मेरे को कच्चा खाने का मन कर रहा है नमक मिर्च के साथ में। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा इसे खाए हैं फ्रेंड लोगों के साथ में, पूरा नमक मिर्ची सिलबट में पूरा पीस के हम लोग पूरा निकल जाएंगे, मतलब 12 बजे जैसे खाना वाना खा के सब कोई रेस्ट करते हैं ना, उस टाइम हम लोग जाते थे आम का पेड़ नीचे मस्त बैठ के, वैसे भी तो धूप धूप रहता है ना उस टाइम में, बैठेंगे और पूरा छीलेंगे छीलेंगे, उसके बाद में नमक मिर्ची दे के, और उसमें ना हम लोग ये देते थे नीम का पत्ता, नीम का पत्ता को
सुखा के कुछ ऐसे मिट्टी का बर्तन में उसको भूंज लेते थे और उसके बाद में उसमें मिला के खाते थे। क्या मज़ा आता था, मत बोले पूरे मुंह में पानी आ रहा है। और ऐसे दोबारा कब खाने को मिलेगा पता नहीं। दोस्त लोग तो सब इधर उधर हो गए ऐसे टाइम में, और मिलेंगे भी कि नहीं पता नहीं। मेरा कैमरामैन ना मेरा कुछ को पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ को एकदम पूरा ऐसे तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं बोलते, बोलते रहते हैं सब टाइम। इनको मेरा कुछ भी पसंद नहीं आता है, इनको खाली बस मेरा पैसा पसंद आता है और कुछ भी नहीं। हर टाइम मेरे को गाली देते रहते हैं कि आप लोग भी देखिए मेरा कैमरामैन कितना लोभी है। मेरा कैमरामैन ये घास सबको निकाल रहे हैं, अभी मैं भी निकाल लूँगी। और ये फूल पकड़ रहा है हम लोग का भिंडी, तो ये घास फूस सबको सबको निकालना नहीं है, निकालना है नहीं तो ऐसे कीड़ा लग जाएंगे ऐसे। हम लोग इधर पूरा साफ कर दिए, और देखिए हम लोग का करेला कैसे फला है। कल ही मालंग तोड़े थे और उससे पहले एक दिन तोड़े थे माँ, और फिर भी और भी हो गया है। उधर भी पूरा सब में हुआ है, उधर यहाँ पर भी देखिए। अभी सूरज डूब गया तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इधर देखिए पलाश का फूल दूर में कैसे पूरा रेड रेड दिख रहा है, बहुत दूर में है। मौसम देखिए फ्रेंड्स पूरा एकदम अचानक से पूरा चेंज हो गया, पूरा काला बादल पूरा छाया है, हवा भी चल रहा है, एकदम पूरा अंधेरा कर दिया। और उधर तो बिजली भी चमक रहा है। उधर हम लोग का गांव है ना रंगामटी, उधर तो शायद बारिश भी हो रही होगी। अभी तो पूरा रेड रेड दिख रहा है, इधर पूरा देखिए बिजली चमक रहा है, दिखाना। ये हम लोग का डिनर, और ये उस दिन का थोड़ा सा बचा हुआ था पनीर, तो मेरा कैमरा मैन इससे बना दिए हैं। क्या बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं इसको? ये है नॉनवेज पनीर वेज पनीर नहीं, नॉन वेज पनीर। इसको देसी भाषा में बोलते हैं अभी तो अंडा मिक्स पनीर। बंडा गोजे से दिख रहा है बंडा। अरे ये देखिए इसको कहाँ घुस गया है, दो तीन ठू रोटी खाया फिर भी। चलो चलो निकलो 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 निकलो, ये बुआ कहाँ बैठ गया देखिए।